આજથી શહેરના રિવરફ્રન્ટ ખાતે 31મા આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનો પ્રારંભ થયો છે। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ તિરંગાવાળા બલૂન ઉડાડીને પતંગ ઉત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો। તેમાં 25 દેશોના 150થી વધારે પતંગબાજ પેચ લડાવશે। આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવમાં પવની ખેલ બગાડતા પતંગબાજો થાકી ગયા હતા। પતંગબાજો પતંગ ચગાવે તેની 5 મિનિટમાં જ પતંગો નીચે પડી જતા હતા। आज हम सबको अपार प्रसन्नता है कि गुजरात की धरती पे इस प्रकार का ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जिसको मुझे भी पहली बार देखने का सौभाग्य मिला है। मकर संक्रांति का पर्व भारत पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। हम प्रकृति के पुजारी रहे हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं। गण्या गाठा पतंगबाजो जे पतंग चढ़ावी ने प्रयासों करता रहता था। अहीं आवेला वीवीआईपीओ पण पतंग चगावा प्रयास कर्या हता। सांस्कृतिक कार्यक्रम पण योजायो हतो, साथे अहीं उद्घाटन पहला योगनो कार्यक्रम पण योजायो हतो, जेमां अमदावाद म्युनिसिपल स्कूलना 1500 बाळकोए योग कर्या हता। आ उपरांत सूर्य नमस्कार पण कर्या हता। आज थी साबरमती रिवरफ्रंट खाते 31मा आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव नो प्रारंभ थयो छे। आ वर्षे 25 देशना पतंगबाजो काइट फेस्टिवल नी मजा माणवा पधार्या छे। फेस्टिवल शुरू थया बाद विदेशीओए गरबा अने भांगड़ा नी मौज माणी हती। विदेशीओ गुजराती गरबा उपर तालबद्ध थईने गरबा नी मौज माणी हती। सांस्कृतिक कार्यक्रम करता लोको साथे सेल्फी पण लीधी हती। पतंग उत्सव ए गुजरात नी ओळख बनी छे। 600 करोड़ रुपया थी वधु पतंग दोरा इने आनुषांगिक अपनी इंडस्ट्रीज नो व्यापार ए पण वैधो छे। लोगों ने रोजी रोटी प्राप्त थई छे। पतंग उत्सव ए प्रकृति साथे सूर्य साथे पवन साथे जोड़ायेलो उत्सव छे। अने हवे पवन नी दिशा बदलाई छे अने सूर्य पण मकर राशि में जयरे जाइ रह्यो छे त्यारे आपणे विकास ने खूब ऊंचाई ऊपर लई जाइए। सारा दिवसों कमोता पण उतरी जशे अने सारा कामों व्यापक स्वरूप में थाय अने आपणे गुजरात ए विकास ने सर करे ए आपणी सौनी अपेक्षा छे। आजे पतंग उत्सव रंगे चंगे राज्यपाल महोदयना शुभस्ते આપણે પ્રારંભ કરાવ્યો। આજથી શરૂ થયેલો કાઇટ ફેસ્ટિવલ 14મી જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે। આ મહોત્સવ આગામી 14 જાન્યુઆરી સુધી ચાલુ રહેશે અને મહોત્સવના પહેલા જ દિવસે પતંગ રસિયાઓની ભીડ જોવા મળી હતી। ઉપરાંત વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મહોત્સવના પહેલા દિવસે અલગ અલગ પતંગો તેમજ એક્ટિવિટી જોવા મળી હતી।